कमेटी ने वर्धा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास पेट्रोल पंप हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार 17 सितंबर को अम्बेडकर स्कूल से उपमंडल कार्यालय हिंगन घाट तक मोर्चा निकालने का भी आह्वान किया था। प्रशासन ने मोर्चे के लिए किसी भी औपचारिक अनुमति को नकार दिया गया था, तब जिसमें बड़ी संख्या में अम्बेडकर आंदोलन के नेताओं और नागरिकों ने बड़े प्रमाण में भाग लिया था। इसके चलते यहां जिला और तालुका पुलिस तैनात की गई थी। पुलिस प्रशासन ने समय रहते खबरदारी दिखाते हुए बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कुछ कार्यकर्ताओं को और नेताओं को अम्बेडकर स्कूल से और कुछ को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक और परिसर से गिरफ्तार किया गया था। आज पेट्रोल पंप हटाओ कृति समिति तरफे जन आक्रोश आंदोलन आज मोर्चा आयोजित करण्यात आलेला होता। या मोर्चाला परवानगी नसल्यामुळे पोलीस प्रशासनाने डिटेन केलेला आहे आणि यानंतर या आंदोलनाची तीव्रता अजून वाढेल। हे उत्सवी दिवस निघून गेल्यानंतर पुन्हा प्रशासनाची परवानगी घेऊन एक मोठा मोर्चा जन आक्रोश मोर्चा हा आम्ही आयोजित करू आणि या तालुक्यातल्या जनतेच्या भावना प्रशासनापर्यंत पोहोचवू। जन आक्रोश मोर्चा पुढील काळात आपल्याला दिसेल। डॉक्टर बाबासाहेब यांच्याजवळ झालेल्या पेट्रोल पंप बचाव कृती समितीचा आज जो मोर्चा ठरवला होता त्या मोर्चामध्ये आज जे आहे मोर्चेकरींना पोलीस प्रशासनाकडून जे परवानगी नसताना हा मोर्चा असल्यामुळे आज जे आहे डिटेन करण्यात आला आहे किंवा हा मोर्चा इथे शांततेत पार पडला आहे। आता येणाऱ्या काळात या मोर्चासंबंधी किंवा आंबेडकरी जनतेकडून पेट्रोल पंप बचाव कृती समितीकरिता काय उपाययोजना किंवा कोणते नवीन पाऊल उचलले जाईल हे आता समोरच। BCN न्यूज के लिए हिंगन घाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।